हम बहुत किए हो। एक एक बार में कितना पेटी लाते थे वहाँ से? 20-30 पेटी लाए। कितनी बार लाए होंगे टोटल? दो बार पकड़ा गए हो भाई। 100% जेल थोड़ी होता है पुलिस का, जब कोई लाएगा पुलिस पकड़ ही लेगी। अरे नाम बता दो। अरे इधर सामने देखिए, सामने क्या मैं जब से ये काम शुरू कर दिए वो काम वाले दुकान कितने बंद रहे थे? जेल कितने दिन रहे? हाँ 2 महीने जेल में रहे थे। यूरोप वाले का एक खड़े करा देना, एक फरार है ना, सुनो ना, और एक अपचारी है। दुर्ग पुलिस को एक अहम कामयाबी मिली है। 7 चेन स्नैचिंग के जो इंसिडेंट्स हुए थे उसमें 4 जो आरोपी हैं उनको आज गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक मुख्य आरोपी है जो पहले शराब तस्करी में भी 2 बार आजमगढ़ में जेल जा चुका है, जो कि महादेव पैनल भी चलाता था। 4.5 लाख रुपए वहाँ पे कर्ज की बात कह के उसने ये चोरी शुरू की। CCTV फुटेज के स्टडी करने के बाद जो 7 इवेंट्स हुए थे उनमें एक ही तरह की बाइक दिख रही थी, उसमें अलग अलग नंबर का प्रयोग किया जा रहा था, एक ही चेहरे के लड़का जो है वो दिख रहा था, उसकी पतासाजी की गई। वहाँ पे मोबाइल नंबर का एनालिसिस किया गया, उसके आधार पे मास्टरमाइंड को पकड़ा गया और उसके पूछताछ में बाकी 3 लोग पकड़े गए। ये पढ़े लिखे लड़के थे, एक तो रुमका कॉलेज में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग भी कर रहा था। जल्दी पैसा कमाने की चाहत में ये लोग चेन स्नैचिंग इंसिडेंट करते थे, महिलाओं को टारगेट करते थे, 2 से 4 बजे के बीच में किया करते थे। सुनसान गलियों में ये जो है छीन के भाग जाया करते थे और तुरंत जाके इसको सुपेरा में एक रोशन ज्वेलर्स के यहाँ 50% दाम में बेच दिया करते थे। ज्वेलर्स को समझाई दी गई है कि आगे फिर चोरी का सामान खपाने की बात आएगी तो उसके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, इनको समझाई दी गई है। 4 को माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।